कि तू अपनी आत्मा के द्वारा आज अपने सेवकों के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत कर, ताकि तमाम लोग जो चिंताओं में समस्याओं में नाना प्रकार की उलझनों से उलझे हैं, उन हर एक बेड़ियों को तू प्रभु अपने वचन की सामर्थ्य से तोड़ दे और हमें एकाग्र कर और ऐसा मन दे कि अपने मन को तेरी ओर लगा सके। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते, तेरे नाम का जय जयकार करते। आगे के समय को प्रभु तू अगुवाई करना, हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। इस विनती को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन में जाते करेंगे, ये मेरा यकीन है। और इसलिए जब प्रभु के सेवक आते हैं, हम लोग उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सम्मान करेंगे हम लोग प्रभु के सेवक, आइए हम लोग ताली बजाएं। बहुत आशीष और बरकत दें। और इसके बाद जोर से बोलिए हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। Yeah.
Yeshua
अपने मददगार को
उतारे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, घुटनों पर बैठ सकते तो घुटनों पर बैठे, अपने हाथों को ऊंचा स्वर की ओर उठाए, अपने आप को दीन बनाए प्रभु के सामने, हालेलुया, अपने आप को नम्र बनाए प्रभु के सामने, घुटनों की प्रार्थना में सामर्थ होती है, आंसुओं की प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रभु दीन जन की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रभु टूटे हुए हृदय को देखता है, पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है, अगर ऐसा कोई भी पाप हमारे जीवन में है जिसको हमने अभी तक छोड़ा नहीं है, हम बार बार क्षमा मांगते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है, अगर आपने छोड़ा नहीं है तो आज ये निर्णय ले कि प्रभु मैं छोड़ता हूँ, मैं उस पाप को छोड़ता हूँ, हर एक विदाई का पाप यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक अनज्ञाकारिता यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक क्षमाहीनता, हर एक कड़वी जड़ को अपने हृदय से उखाड़ कर बाहर फेंके, मेरे प्रियो यदि आप मुंह बंद करके बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में, आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो उद्धार भी नहीं मिलता है, जब हम मुंह से बोलते हैं कि यीशु तो मेरा प्रभु है तो हम उद्धार पाते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है, सब लोग मुंह खोल कर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में, आपकी आवाज नहीं आ रही है चर्च, जोर से ऊंची आवाज में सब लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, आपने किसी को क्षमा नहीं दिया तो आप उसको क्षमा कीजिए, प्रभु से मदद मांगिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, हालेलुया, सब लोग अपने हाथ पर ऊंचा उठाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे परमेश्वर पिता, जोर से ऊंची आवाज में यहोवा पिता, यीशु मसीह के नाम से, मैं चाहता हूँ हर एक क्षमाहीनता, कड़वी जड़, बदले की भावना, ईर्ष्या, क्रोध की भावना मेरे जीवन से दूर हो, मैं हर एक कड़वी जड़ को अपने हृदय से, जीवन से, परिवार से, अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपनी सोचों से, अपने विचारों से, यीशु के नाम से भर कर बाहर फेंकता हूँ, आउट, बोलो आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को
मैं आज आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आज आपको आत्मा में उन्नति के बारे में बताना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज यहां पर बैठा हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष हो। और प्रभु हमें आशीष दे चुका है, दे रहा है, देता है, लेकिन उस आशीष के हमें योग्य बनना है ताकि वो आशीष हमारे ऊपर ठहरे। प्रभु यीशु मसीह चंगाई का कार्य क्रूस पर पूरा कर चुका है। यशायाह 53:5-15-26 पहला पत्रस 2:24 हम जानते लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या होते हैं। वो हमारा यहोवा राफा है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो जब वो हमारे लिए कोड़े खा चुका है, हमारी बीमारियों के लिए चंगाई का कार्य पूरा कर चुका है, तो चंगाई हमारे ऊपर ठहर क्यों नहीं रही? चंगाई हमारे परिवार पर ठहर क्यों नहीं रही? परमेश्वर कर चुका है, अब हमारे करने की बारी है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या कहते रहते हैं, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर। प्रभु कह रहा है, मैं तो कर चुका, तू योग्य बन। मैं कर चुका, तू योग्य बन। मैं कर चुका, तू योग्य बन। प्रभु इसे चंगा कर, इसे चंगा कर, इसे चंगा कर। प्रभु कह रहे हैं, मैं कोड़े खा चुका, तू योग्य बन कि ये चंगा हो। समझ रहे हैं? आपके साथ वाले को बोलो आपको योग्य बनना है, उसको हाथ मिला के बोलो आपको योग्य बनना है। ये आशीष आपके ऊपर ठहरे। परमेश्वर पर दोष लगाना छोड़ना है और उसके किए हुए उस महान कार्य के लिए जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया है हमें धन्यवाद देना शुरू करना है। लेकिन हम धन्यवाद देने के बजाय दोष लगा, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा है। होशे की पुस्तक 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसके वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण उसके लोग, वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा, वो कह रहे मेरी प्रजा। सब बोलो मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। दोस्त बोलो मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। परमेश्वर कह रहे मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है, नाश हो रही है। वो कह रहे परमेश्वर मेरे लोग नाश हो रहे, मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है? क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का सही ज्ञान होना चाहिए। आज लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है, प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना में कोई पश्चाताप नहीं है, क्षमा नहीं मांगते दूसरे को, आपने माफ नहीं किया, आप कितना हालेलुया चिल्लाओ वो छत से ऊपर नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई नहर हो और तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए तो अपनी भेंट को वहीं वेदी पर छोड़ जा, पहले जा अपने भाई से क्या कर,
मेल मिलाप कर फिर मेरे पास आना। लेकिन हम धन्यवाद की भेंटे चढ़ाते रहते हैं, स्तुति के बलिदान चढ़ाते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, लेकिन अपने भाई के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, विरोध रखते हैं, विधर्म रखते हैं, फूट रखते हैं, तो ऐसे हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वेदी पर आग तब उतरती है जब भेंट चढ़ाई जाती है, और भेंट तब चढ़ाई जाती है जब उससे पहले सच्चा पश्चाताप होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कीजिए, मुझे तैयार कीजिए। प्रकाशित के आत्मा, प्रकाशित के आत्मा, सत्य के आत्मा, सत्य के आत्मा, सिखाने वाले आत्मा, सिखाने वाले आत्मा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को, आपके वचन को सीखना चाहता हूँ, आपको, आपको समझना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, बस बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलेंगे जोर से, बोलेंगे ऊंची आवाज में, आत्मा से, आत्मा से, परिपूर्ण, परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ। आपके साथ वाले को हाथ मिलाओ, उसको बोलो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण। अच्छे से हाथ मिलाओ, स्माइल करो, अच्छे से हाथ मिलाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, 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 आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाने से काम नहीं चलेगा, आपको गाड़ी में पेट्रोल लगातार। और ये लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण हो, नहीं लिखा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बोलो होते जाओ, होते जाओ। अपना हाथ उठाओ, से बोलो होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। आत्मा से, आत्मा से परिपूर्ण, परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होना कोई एक दिन की बात नहीं है, एक समय की बात नहीं है, संडे की बात नहीं है, हर दिन की बात है, हर समय की बात है। वचन बताता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से हमें लगातार परिपूर्ण होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से हमें लगातार भरने की जरूरत है। विश्वास करने के बाद हमें विश्वास में उन्नति करनी है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना हाथ उठाओ, बोलो मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे विश्वास में बढ़ना है। लेकिन पता होता क्या है, जब हमें विश्वास में बढ़ने का समय होता है, उस वक्त हम विश्वास में कमजोर पड़ने लगते हैं। जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में होती है कि हमें और प्रार्थना करनी चाहिए, और वचन पढ़ना चाहिए, उस वक्त और वचन पढ़ने के बजाय हमारा वचन का पढ़ना कम हो जाता है। जिस वक्त हमें और प्रार्थना करनी चाहिए, उस वक्त हमारी प्रार्थनाएं कम हो रही। कितने लोग समझ रहे हैं, जब पानी का बहाव तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, आप पहले कम फोर्स लगा रहे थे क्योंकि पानी इतना तेजी से नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत नजर आ रही हैं, आपको और प्रार्थना में, और वचन में, और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी बढ़ने वाला विश्वासी होना चाहिए। आमीन, आमीन। आपका आमीन बहुत छोटा है। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने का उदाहरण दिया। राई का दाना होता तो बहुत छोटा है, हम जानते हैं मस्टर्ड सीड, लेकिन जब उसको बोया जाता है और वो बढ़ता है और बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। यीशु मसीह ने समझाना चाहा कि तुम्हारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं बढ़नी चाहिए, हमारे वचन का मनन बढ़ना चाहिए, हमारे हमें और गीत प्रभु के लिए लिखने हैं, और आराधना हमें प्रभु की करनी है, और प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, और जड़ पकड़ना है, और मजबूत होना है हमें प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि
धरनी अगर सात बार भी गिरे तो क्या होगा? लेकिन हम सीख रहे थे लेट होने के बारे में। एक धर्मी सात बार गिरा और एक धर्मी पांच बार गिरा और एक धर्मी एक बार गिरा और हर कोई उठा और फिर से भागा, तो जीतेगा वो जो एक बार गिरा था और उसके बाद सेकंड वो आएगा जो पांच बार गिरा था और थर्ड वो आएगा जो सात बार गिरा। अभी आपको कौन सा धर्मी बनना है? आपको ऐसा नहीं बनना, कोई नहीं मैं गिरूंगा बार बार, प्रभु तो उठाने वाला है ना, वो तो मुझे फिर से उठाएगा, कोई बात नहीं, ये चीज मेरे लिए खाने अच्छी भी है, मैं खा लेता हूँ, बीमार होऊंगा प्रभु चंगा कर देगा। प्रभु ने बुद्धि भी तो दी है आपको, उस बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करो। जो प्रभु ने बुद्धि दी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो मना किया वो खा रहे हो और फिर बीमार होकर कह रहे हो प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे। जिस प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए उस प्रभु को प्रभु के ऊपर दोष लगाए। एक ब्रदर जिनको शाम को प्रार्थना के लिए किसी के घर में जाना था बाइक से, और जब उन्होंने शाम को अपनी बाइक निकाली और की मारी तो बाइक चालू नहीं हुई, पेट्रोल की टंकी खोल कर देखी तो पेट्रोल नहीं था और कहने लगे प्रार्थना में, प्रभु आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है और मेरी बाइक के अंदर पेट्रोल। यदि तुझे पता था कि तुझे शाम को प्रार्थना के लिए जाना है तो इतना पेट्रोल तो रखता कि पेट्रोल पंप तक तो तेरी बाइक ले ली। तेरे को मैंने बुद्धि दी, तेरे को मैंने ज्ञान दिया, हाँ, और तूने पेट्रोल खुद नहीं डलवाया, गलती तू कर रहा है और मुझे कह रहा है प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। ऐसा मूर्ख हमको नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं अरे परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे, लेकिन उस संदर्भ को नहीं समझते कि वो वचन उस संदर्भ में आ गया। प्रभु ने जगत के मूर्खों को इसीलिए चुना ताकि वो अपने ज्ञान के आत्मा को देकर ज्ञान वालों को लज्जित करवा सके। इसीलिए नहीं कि मूर्ख मूर्ख ही बना रहे और कहता रहे मैं मूर्ख हूं मैं मूर्ख हूं, इसीलिए उसने मूर्खों को नहीं चुना है। प्रभु तो मूर्खों को चुनता है इसलिए मैं मूर्खी बना रहा हूं, तो बने रहो मूर्ख। तुम कभी भी बहुत आए के जीवन को अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। हमारा परमेश्वर दबा दबा के हिला हिला के उमड़ता हुआ देने वाला परमेश्वर है, तो बहुत आए के जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, हमें उस परमेश्वर को कोसना अब नहीं करना, हमें उस पर दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर किसी बीमारी का कारण नहीं है, किसी दुर्घटना का कारण नहीं है। मैं घर में गया, एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी, हड्डी टूट गई। मैं प्रार्थना के लिए गया, उनके मम्मी पापा ने मुझे बोला परमेश्वर ने अच्छा किया इसके साथ जो इसकी टांग। मैंने कहा अच्छा, सब लोग आओ बैठो, सबकी क्लास लगी। उसके बाद मैंने उनको समझाया, वचन दिया। वचन कहता है वो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर, और जो वचन कहता है कि वो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, उसी परमेश्वर को तुम दोष लगा के कह रहे हो कि परमेश्वर ने इसकी हड्डी तोड़ दी। हम लोग क्या बोलते हैं ना, कई बार हमको पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम हर वक्त कहते हैं परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, बीमारी आई है परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, दुर्घटना आई है परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, सताव आया परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। परीक्षा अलग चीज होती है, परखना अलग चीज होती है, सताव अलग चीज होती है, पीड़ा अलग चीज होती है। धर्म के कारण सताया जाना धन्यवाद होती है, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण तुम दुखी हो उसमें परमेश्वर का क्या दोष? तुम्हारी गलती के कारण तुम दुखी हो, तुम खुद अपने आत्मा में बलवंत नहीं हो, तो उसमें परमेश्वर का क्या दोष? हालेलुया घर में तुम जाओ कल्याण को बोलो, यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो आशीष उस पर ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगी। इसका मतलब कल्याण आशीष हमारे ऊपर ठहरे उसके हमें योग्य बनने की जरूरत है। जो चंगाई का कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया वो चंगाई हमारे परिवार पर ठहरे उसके लिए
है इस वक्त जो आप लोग बैठे हुए ना आपके सिर के ऊपर लाइट है आत्मा में होकर देख रहा हूँ शरीर में नहीं इस वक्त मुझे यहाँ पर बैठे लोगों के कुछ लोगों के अंदर इस तरह से वचन उतर रहा है आपके अंदर जा रहा है और आप देखना आपको उसका प्रतिफल देगा परमेश्वर देने वाला कौन है देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है देने वाला परमेश्वर है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई भी मनुष्य प्राप्त देने वाला परमेश्वर है हमें सरिया नहीं केवल लेकिन सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को सारे आदर के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह जितना हम दीन होंगे जितना हम नम्र होंगे उतना प्रभु यीशु जितने हम भूखे और प्यासे होंगे उतना परमेश्वर हमें तृप्त करेगा हालेलुया आत्मा से भी चलना है और बुद्धि से भी चलना है सोच समझ कर परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है परमेश्वर अनुशासन वाला परमेश्वर है परमेश्वर चाहते हैं कि हर चीज अनुशासन में हो हालेलुया आपके बैठने का तरीका अनुशासन में होना चाहिए आपके कपड़े पहनने का तरीका अनुशासन में होना चाहिए आपके बोलने का तरीका अनुशासन में होना चाहिए प्रभु हमें सिर्फ आत्मिक बातों में नहीं देखता हर एक चीज में देखता है एक पति अपनी पत्नी का ध्यान कैसे रख रहा है परमेश्वर ये भी देखता है एक माता पिता अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख रहे हैं परमेश्वर देखता है मूसा को उसकी कितनी उम्र हुई बाइबल बताती है 120 साल 120 साल की उम्र में भी मूसा पूरी तरह से हष्ट पुष्ट उसका पौरुष नहीं घटा था हालेलुया उसकी जीवन के तीन भाग थे पहले 40 साल वो राजमहल में रहा राजकुमार की तरह फिर 40 साल वो भेड़ बकरियां चराता था एक चरवाहे की तरह और बाद के 40 साल उसने जंगल में इजरायली लोगों की अगुवाई की परमेश्वर ने उसे राजमहल के बाद नहीं चुना परमेश्वर ने पहले 40 साल उससे भेड़ बकरियां चराने का काम कराया जब वो भेड़ बकरियां चराने में विश्वास योग्य रहा उसने इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए उसको बुलाया कितने लोगों ने रिसीव किया इस बात को परमेश्वर पहले हमें तैयार करता है उसके बाद वो हमें इस्तेमाल करता है स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से जिसका जन्म हुआ जो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ रहा था जब तक यीशु मसीह का भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक नहीं किया तब तक यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया हालेलुया हालेलुया जब यीशु मसीह ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया आकाश खुल गया पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा और भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा इससे मैं आदि और उसके बाद यीशु मसीह आराधनालय में गया उसने व्यवस्था की पुस्तक को खोला भविष्यवक्ता की पुस्तक को खोला और पढ़ा प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक परमेश्वर ने यीशु मसीह को 30 साल तैयार किया और यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की 10 गुना ज्यादा था तैयारी का समय सेवा के समय से हालेलुया अरे आपकी तैयारी में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है आपको तो आपकी सेवा बहुत बड़ी होने जा रही है आप तैयार होने दो अपने आप को प्रभु के आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपकी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं आपके बर्तन को चौड़ा कर रहे हैं क्योंकि बड़ी आशीष आपके ऊपर है आपने 7 सेवकाई में रखा और उसके बाद भी जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों का अभिषेक नहीं किया उन्होंने उसने क्या कहा यीशु मसीह ने कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से वो सामर्थ्य और पेंतेकोस्त के दिन
पहली मंजिल में जब यीशु मसीह असेंशन हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, उस वक्त लगभग 500 लोग मौजूद थे, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन वहां पर पहली मंजिल पर लगभग 120 लोग मौजूद थे। 380 ने आज्ञा नहीं मानी, लेकिन 120 ने मानी। आज्ञा मानने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आया वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। लोगों ने देखा और क्या कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में चुके। लेकिन वो नशा वो दाखरस से मतवाले बनने वाला नहीं था, वो आत्मा से परिपूर्ण होने वाला नशा था। और जब उनका अभिषेक हुआ, वो पत्रस जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं नहीं जानता, वो पत्रस अभिषेक पाने के बाद पेंटिकोस्ट के दिन जब बाहर आया और उसने प्रचार किया, कितने लोगों ने मन फिराया? 3,000। 3 बार इनकार करने वाला अभिषेक पाने के बाद एक पहले प्रचार में 3,000 आत्माओं को बचा पाया। आपको बताना चाहता हूँ, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप प्रचार तो करेंगे, लेकिन वो प्रभावी तभी होगा जब उसमें पवित्र आत्मा का प्रकाशन होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। क्योंकि शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। हालेलुया, लिखा हुआ शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। ये परमेश्वर की सांस है, ये वचन हमको छूना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, ये लिखा हुआ मरा हुआ शब्द नहीं है, ये जीवित बात करने वाला वचन है, छेदने वाला वचन है। और जब पत्रस ने प्रचार किया तो लोगों के हृदय छिदे और उन्होंने पूछा, अब हम क्या? सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा देता है हमको, प्रार्थना करने का बल। अगर आप प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप कैसे 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर लिया आपको पता भी नहीं लगेगा। रोमियो की पत्री 8:26 में लिखा है, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आए भर भर कर जो बयान से बाहर है पवित्र लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है वो कभी भी अपनी आत्मा में उन्नति नहीं कर सकता, ये सच है। मुझे सच बोलते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। वो व्यक्ति जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है वो कभी भी आत्मा में उन्नति नहीं कर सकता है। वो बढ़ेगा लेकिन रेंग रेंग के बढ़ेगा, कभी दौड़ नहीं पाएगा, कभी उकाबो की नाई उड़ नहीं पाएगा। वो मुर्गी की तरह दिखेगा तो, लेकिन पक्षी की तरह उड़ कभी नहीं पाएगा। ये सच है, आत्मा उठा कर ले गया। उकाबो की नाई उड़ते हैं वो लोग जो उसके रूह में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कोई भी चीज दिखावे के लिए नहीं, लेकिन ये सच बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी मात्र नहीं है, अनिवार्य है हर एक विश्वासी के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। और हमारी उन्नति कौन नहीं चाहता? शत्रु नहीं चाहता कि विश्वासी प्रार्थना में बढ़े, शत्रु नहीं चाहता कि उन्हें वचन के भेद समझ में आए, शत्रु नहीं चाहता कि हम लोग उपवास प्रार्थना में पूरी पूरी रात प्रार्थना कर पाए, शत्रु नहीं चाहता कि हम लोग पवित्र आत्मा के बोझ को प्राप्त करके अपनी बुलाहट को पहचान कर आत्माओं को जीत पाए, शत्रु नहीं चाहता कि सुसमाचार सुनाने की सामर्थ हमें मिले, इसलिए वो नहीं चाहता और हमें डाउट में रखता है, हमें शंका में रखता है, अविश्वास में रखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें शक का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें डाउट का स्पिरिट नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें अविश्वास का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें विश्वास का आत्मा दिया है। हालेलुया।
प्रकार के पुस्तक में लिखा है और उसने कहा कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना मात्र जरूरी नहीं अनिवार्य है। 99% लोग आज मसीहत में कहां पर अटके हुए हैं, मैं आपको बताऊं, जरूरी पे अटके हुए। वचन पढ़ो बहुत जरूरी है, प्रार्थना करो बहुत जरूरी है, उपवास रखो बहुत जरूरी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो बहुत जरूरी है, सुसमाचार सुनाओ बहुत जरूरी है, जरूरी है जरूरी है जरूरी है जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन भाई उससे आगे बढ़ो, ये मात्र जरूरी नहीं कंपल्सरी है, अनिवार्य है। जब तक हमारे जीवन में कोई चीज जरूरी होगी कॉम्प्रोमाइज होगा, ज्यादा जरूरी है थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा समझौता करेंगे, कम जरूरी होगा ज्यादा समझौता करेंगे, लेकिन जिस वक्त हमने ये निर्णय ले लिया करना ही करना है, अनिवार्य है, उस दिन कोई भी बहाना नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, उस दिन गाना गाते हुए मुंह में गुटखा नहीं होगा, उस दिन सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं होगा, उस दिन यहाँ पर हालेलुया और बाहर सब भूल गया नहीं होगा। उस के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 पर लिखा है और जब आप दूसरा कुरिन्थियों 6:16-19 पद में लिखेंगे पढ़ेंगे तब भी लिखा है कि हम जीवित परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा की नदी कहाँ है? कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने हमारे हृदय को कायल किया, हमने यीशु मसीह के प्रेम को पहचाना, उसके लहू की कीमत को पहचाना, उसके बलिदान को पहचाना, हमने पश्चाताप किया और कहा यीशु तू मेरा प्रभु है। वो हमारे मन को कायल करने वाला कौन था? लिखा है वचन में बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तक हमारे साथ रहता है, जब तक हम उद्धार नहीं पा लेते, जब तक हम ये नहीं कहते कि यीशु तो मेरा प्रभु है। मान लीजिए ये पवित्र आत्मा है, ये व्यक्ति है, जब इसने कहा कि यीशु तो मेरा प्रभु है और उसने यीशु के प्रेम को पहचाना, विश्वास किया, तो अब पवित्र आत्मा जो उसके साथ था वो कहां चला जाता है? ना केवल उसके साथ बल्कि उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं कि अब हम क्या बन गए? पवित्र आत्मा का मंदिर। हर एक विश्वास करने वाले के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? हां, क्या बोल, अरे सब लोग पहले से दो उठा रहे हो, इसको कहते हैं जागृति, इसी को कहते हैं जागृति। अगर परिवर्तन है तो जागृति है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका प्रभु है तो वो पवित्र आत्मा कहीं और नहीं है, वो आपके और आप पवित्र आत्मा का मंदिर। अपने हाथों को उठाकर बोले मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, यहोवा पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, जीवन की नदी मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है, वचन की नदी मेरे अंदर है, प्रार्थना की नदी मेरे अंदर है, पवित्र आग की नदी मेरे अंदर है। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दौर में श्रीलंका गया था, श्रीलंका जाने से पहले मैं चेन्नई गया, रात
करेंगे नकारात्मक चीज को वो चलाकर खत्म कर सकते। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। Yeah.
छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए। वचनों को मनन करूंगा, रात दिन उन पर ध्यान करूंगा, याद करने की बुद्धि दे, पढ़ने की बुद्धि दे, सचमुच मेरे तेरे वचन बिना तेरे बिना। यदि आज तक मैंने प्रार्थना को वो महत्व नहीं दिया, यदि मैंने प्रार्थना को अपने जीवन में अनिवार्य नहीं समझा है, आज मैं आपसे वायदा करता हूँ प्रभु कि प्रार्थना करना आज से मेरे लिए अनिवार्य होगा। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे और समर्पण करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। यदि आज तक मेरा जीवन उपवास प्रार्थना का नहीं रहा है, तो अब से मेरा जीवन उपवास प्रार्थना करेगा। अनिवार्य होगा मेरे लिए उपवास रखना, चर्च आना मेरे लिए अनिवार्य होगा, प्रभु आपकी मेज में भाग लेना मेरे लिए अनिवार्य होगा, आपके देह को खाना, आपके लहू को पीना मेरे लिए अनिवार्य होगा। मैं